हाउ टू कंट्रोल योर माइंड। कभी आप पढ़ाई करना चाहते हो मगर ध्यान नहीं लग रहा है, आपके जॉब में टारगेट अचीव करना चाहते हो मगर फोकस नहीं कर पा रहे हो, कितना अच्छा होता अगर हम माइंड को कंट्रोल कर पाते। बेसिकली माइंड में एक पार्ट होता है कॉर्टेक्स जो हमें डिस्ट्रैक्ट करता है, कॉमनली उसे हम मन भी कह लेते हैं। हमारा मन हमें भटकाता है, उसको कंट्रोल करने के कुछ तरीके इस बुक में दिए गए हैं। पॉइंट नंबर 1, बिलीव दैट यू कैन चेंज। जैसे अगर आप मानते हो कि आपका बच्चा कभी इंटरनेशनल टेनिस प्लेयर नहीं बन सकता तो आप कोशिश भी नहीं करोगे। अगर आप मानते हो कि आप शराब नहीं छोड़ सकते तो आप कोशिश भी नहीं करोगे। पहला स्टेप है मानना कि आप बदल सकते हो, आपका माइंड बदल सकता है। काफी लोग तो चाहते ही नहीं, अगर आप मानते हो तो आप एक स्टेप आगे बढ़े हो। डेफिनेटली आपको लॉजिकली भी सोचना पड़ेगा बट अपनी कैपेबिलिटीज को लेके ऑप्टिमिस्टिक बनना है। पॉइंट 2, लॉजिकल थिंकिंग। क्लियर डिफाइन करो कि क्या गलत है क्या सही है। जैसे अगर मैं कहूं कि आप सिगरेट छोड़ दो तो आप नहीं छोड़ोगे, मगर अगर आप किसी कैंसर से मरते हुए आदमी को देखोगे तो आप सिगरेट जल्दी छोड़ दोगे। माइंड कन्विंसिंग चीजें जल्दी एक्सेप्ट करता है। आप जॉन अब्राहम जैसे एब्स बनाना चाहते हो बट सोचा है क्यों? 6-पैक एब्स बना भी लिए फिर क्या आप वैसे प्रोटीन डाइट रेगुलर ले पाओगे? क्या आप कोई मॉडल हो जो एब्स बनाना चाहते हो? एक विजन होना चाहिए, क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए, माइंड अपने आप फॉलो करता है। 3, रीवायर योर ब्रेन। अपने सारे पुराने अजम्पशंस भूलकर माइंड को न्यू स्टार्ट दीजिए। मान लो अगर आप वाइन छोड़ना चाहते हो तो इमेजिन करो कि वाइन जहर है। इमेजिन करो वो जिस ऑर्गन से गुजर रही है आपकी बॉडी में वो खराब होता जा रहा है। ऐसे माइंड रीप्रोग्राम होता है। ऑटो पायलट मोड माइंड के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। पॉइंट नंबर 4, क्रिएट ऑब्स्टेकल्स फॉर नेगेटिव थिंग्स। जैसे टीवी रिमोट छुपा दो, उन फ्रेंड के नंबर डिलीट कर दो जो आपको पढ़ाई में डिस्ट्रैक्ट करते हैं। बर्न द ब्रिजेस। पॉइंट नंबर 5, मेडिटेशन। मेडिटेशन से ब्रेन हेल्दी रहता है, मेडिटेशन से माइंड में ग्रे मैटर कम होता है, इससे माइंड स्थिर रहता है, कुछ फोकस करने की शक्ति ज्यादा होती है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। मेडिटेशन पढ़ते पढ़ते मुझे लगा कि इसके लिए अलग से वीडियो ही बनाना चाहिए। जिस तरह एक CEO अपने एम्प्लॉय को समझाता है, उसके कॉन्ट्रीब्यूशन को सराहता है, एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम करता है तो वो उसका लॉयल एम्प्लॉय बनता है, वैसे ही ब्रेन भी आपका एम्प्लॉय होना चाहिए और आप उसके CEO। So as always, please subscribe.